मेरे पीछे देखो बुर्ज खलीफा और पूरा व्यू दिख रहा है और इतना नेक्स्ट लेवल होटल है ना ये। और हम बुर्ज खलीफा के ऊपर भी जाएंगे गाइस टॉप फ्लोर पे। गाइस ये देखो भाई साहब, मतलब खाना आ गया है और मस्त सोए हुए हैं घोड़े बेच के। प्रणव भाई खाना 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 खाना, मैं खा लूंगा आपका खाना, खाना खा लूंगा आपका। सॉरी उठाने के लिए बड़ा, खाना आ चुका है तो भोजन ग्रहण करो प्लीज। कुछ गायब तो नहीं है देख लो? तुमने नहीं, अभी नहीं आया हमारा। ये पत्ता क्यों दिया है पत्ता? Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो गाइज आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ देखो फ्लाइट से, वो भी दुबई की फ्लाइट से, बिजनेस क्लास से। लास्ट व्लॉग में आप देखा होगा हम आए थे दिल्ली से फ्लाइट में, फ्लाइट में बैठे थोड़ा बहुत फ्लाइट दिखाई मैंने आपको, और अब हमारा लंच आएगा तो लंच दिखाएंगे, उसके बाद फिर दुबई लैंड करेंगे और फिर देखते हैं जो भी होगा। चलो फिलहाल तो वेट करो लंच का। साहिल का भी आ गया लेकिन मेरा नहीं आया अभी तक। तूने पैसे नहीं दिए पूरे? मैंने पूरे पैसे दिए भाई, ऐसी बात नहीं है। फाइनली बहुत इंतजार के बाद मेरा भी खाना आ गया। तो यहाँ पे दाल चावल कोफ्ता, छोटी छोटी रोटियाँ दी हैं इन्होंने, देखो कितनी छोटी रोटियाँ भाई, लेकिन ठंडी रोटियाँ यार। हरी सब्जी भी है जिसमें सैल्ट वगैरह होंगे। तीन मिठाइयाँ दी हैं, पानी दिया है और स्पून वगैरह दिए। चलो फाइनली अब खाना शुरू करते हैं। बढ़िया, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी है। छोटी सी रोटी लेकिन बहुत मस्त हो रही है भाई। तो फाइनली खाना फिनिश, अब अपना काम कंटिन्यू करते हैं। गाइज इस फ्लैट में बैठे बैठे मैंने तो अपनी एक वीडियो भी एडिट कर ली कंप्लीट देखो। तो गाइज मैंने मंगा लिया ब्लैक कॉफ़ी, बिकॉज मैं नहीं चाहता सोना। साइल्स हो गया, प्रणव भाई भी सो गया। गाइज यहाँ पे ना ब्लॉग करने में मज़ा आ रहा है, बिकॉज किसी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ना राइट वाले को डिस्टर्ब हो रहा है ना लेफ्ट वाले को, बिकॉज देखो इस तरह से बस पहुँचने वाले दुबई। क्या देखो गाइज अभी उड़ते प्लेन में मैं सब्सक्राइबर मिलने आए हैं। आप कहाँ से हो? दिल्ली से ही हो? गाइज इतनी अच्छी फ्लाइट तो मेरी आज तक कभी हुई नहीं, तो मेरी फर्स्ट बेस्ट फ्लाइट थी। फाइनली गाइज लैंड कर चुके हैं दुबई में, अब चलते हैं बाहर देखते हैं कैसा है दुबई। भाई बहुत लेट हो गए यार, सवा दो हो गए। सब कुछ हैप्पी हैप्पी लिख देते हैं, हैप्पी 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 हैप्पी। अब सबके डब्बे खुल गए यहाँ पे। प्लेन से बाहर जाने का टाइम आ चुका है, ये वाला प्लेन था अपना। गाइज टाइम देखो 1 बजने वाला है। यहाँ आते ही टाइम चेंज हो गया, यहाँ का टाइम 20 चल रहा है, मतलब 2 घंटे में पहुँच गए। इसके में 2:30 बज रहे हैं, इसके में 2:30 बज रहे हैं। ये रियल टाइम है, इंडिया का टाइम है, इंडिया का टाइम है, ये 2:30 बज गए। तो गाइज मैम हमको लेके जा रहे हैं होटल तक, सॉरी गाड़ी तक। तो गाइज ये है दुबई एयरपोर्ट, फर्स्ट टाइम आए हैं, पूरा सिल्वर सा लग रहा है। तो यहाँ से हम जाएंगे इस कार में, छोटी वाली इलेक्ट्रिक कार में बाहर तक। और यहाँ भी हमारा इमिग्रेशन हुआ गाइज, दिल्ली में भी हुआ था, यहाँ भी होगा इमिग्रेशन। वो मतलब पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तो बस बताना होता है भाई घूमने आए हैं, घूमने फिरने। एयरपोर्ट के अंदर हम गाड़ी में घूम रहे हैं भाई। गाइज सब कुछ मैनेज प्रणव भाई कर रहे हैं, तो अभी गाड़ी से उतर गए हैं। और ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है भाई। गाइज एक पंगा हो गया, साहिल को रोक लिया, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। हम दोनों आगे लेकिन साहिल को वहाँ पे रोक लिया, पता नहीं क्या, कहाँ पे ऑफिस में लेके जा रहे हैं उसको, उसके पासवर्ड में पता नहीं क्या दिक्कत, पता नहीं क्या है सिस्टम में, अलग बर्ड पता नहीं, बर्ड पता नहीं सिस्टम में अलग दिखा रहा है उसमें अलग। गाइस ये दिक्कत तो बहुत बड़ी है कि उसका उसका बर्थडे आता है 16 अक्टूबर को, बट सिस्टम में कुछ और दिखा रहा है। अरे हाँ साहिल से बात भी नहीं कर सकते अब तो मुझे धक धक हो रही है, टेंशन हो रही है मुझे तो। तो फिलहाल अपने बैग ले रहे हैं हम यहाँ से, सिस्टम में कुछ और दिखा रहा है, पासपोर्ट में अलग है, ऐसा कैसे हो सकता है? साहिल फ़ोन भी नहीं कर सकता यार, यहाँ पे फ़ोन भी नहीं लगते। आ गया आ गया, क्या हुआ क्या हुआ था? हैं क्या? डेट ऑफ बर्थ अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, पता नहीं भाई। आने दिया उन्होंने, कुछ करा उन्होंने ऑफिस से, फिर आने दिया। तो इतना डर लगा भाई, मेरे को डर लगा भाई, कहाँ लेके पकड़ के भाई, कहाँ लेके थे? ऑफिस में लेके थे अंदर। हाँ करते हैं। लेकिन ये डेट, ये मैं बताऊँ ये डेट किसने अलग, ये वीजा वाले काम है भाई, ये वीजा वाले की गलती है। दुबई में खतरनाक स्वागत हो गया हमारा। गाइस जिन्होंने वीजा लगाया ना वहाँ से गलती हो गई होगी, हमारी कोई गलती नहीं गाइस इसमें। सौरभ साहिल एंड प्रणव, राहुल अभी तक धक 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 हो रही है। साहिल का क्या हाल हुआ होगा, पहली ट्रिप में ही भाई रोक ली। राहुल भैया हमको लेके जाएंगे, देखते हैं कौन सी गाड़ी है ये हमको लेने के लिए। यहाँ पे तो भाई BMW खड़ी है मस्त मस्त। भैया कौन सी गाड़ी है? अच्छा ये तो वैन है, अच्छा मर्सिडीज की है। तो सामान सारा पीछे डाल रहे हैं, हम बैठते हैं देखते हैं अंदर से कैसी है भाई। एयरपोर्ट से निकल गए तो अब जा रहे हैं सीधा होटल, होटल जाके देखते हैं होटल कैसा है। तो गाइस ये हमारा होटल SLS। कौन सा फ्लोर है? 71st। लिफ्ट में भी स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे देखो फ्लोर चेंज हो रहे हैं ना, 39, 40, 41, 42, 43। पता ही नहीं चल रहा फ्लोर चेंज हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है लिफ्ट एक ही जगह पे है लेकिन चेंज हो रहे। देखो 62 हो गया, 63 फ्लोर, 64 फ्लोर, 65, 66, पता ही नहीं चल रहा ना। कौन भाई कौन फ्लोर है? 71 हो गया, और 71 पे रिसेप्शन है।
ये हमारा फर्स्ट होटल है, हम शायद 3 होटल में रुकेंगे। एयरपोर्ट पे हमको एक सिम फ्री मिला था, देखो यहाँ पे 1 GB। वैसे मैंने इंटरनेशनल रोमिंग अपनी ऑन करा ली है, रिचार्ज करा लिया मैंने अपना इंटरनेशनल रोमिंग का। तो यहाँ पे प्यारी सी वेलकम ड्रिंक मिली हमको, देखो छोटी सी, चीयर्स। गाइज यहाँ पे फॉर्म भी आईपैड भरवाया है, आईपैड पे डिजिटली। इतना बड़ा हेडफोन देखो कितना प्यारा दिल है मेरी तरह। भैया बता रहे हैं अभी होटल के बारे में बता रहे हैं भैया। तो अभी गाइज हमारे रूम रेडी हो रहे हैं, इतने हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मेरे पीछे देखो बुर्ज खलीफा और पूरा व्यू दिख रहा है, और इतना नेक्स्ट लेवल होटल है ना, पूरा टूर देंगे आपको इस होटल में क्या क्या है सब कुछ। और सामने का जो व्यू है ना दिखाई देते हैं आपको, चलो ये देखो गाइज अनबिलीवेबल भाई। और सामने देखो बुर्ज खलीफा और इतनी सारी बिल्डिंग्स, पूरा डाउनटाउन बोलते हैं इसको, कितना सुंदर लग रहा है यार। तो दुबई के इस होटल का पूरा टूर दूंगा आपको क्या क्या है यहाँ पे, और हम बुर्ज खलीफा के ऊपर भी जाएंगे गाइस टॉप फ्लोर पे, वहाँ से देखें कैसा दिखता है। यहाँ से देखो कितना प्यारा दिख रहा है, वहाँ से कितना प्यारा दिखेगा। लेकिन गाइस धूप भी है यहाँ पे, गर्मी है। यहाँ पूरे कांच लगा रखे देखो, ताकि कोई कूदे ना गिरे ना, ऊपर ऊपर तक कांच लगा रखे पूरे। चलें चलो भाई। गाइस बाहर तो गर्मी हो रही है, हम इसलिए अंदर आ गए यहाँ पे, यहाँ बैठ के वेट कर रहे रूम का भी। तो गाइस फाइनली हमको रूम मिल गया, और देखो होटल वालों ने क्या दिया भाई, कितने सारे फ्रूट्स दे दिए यहाँ पे। तो दिखाता हूँ आपको कौन कौन से फ्रूट्स हैं, और ट्राई करते हैं इनको, और फिर आपको रूम टूर दूंगा, रूम टूर नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा। रूम टूर बहुत नेक्स्ट लेवल रूम है, अभी जहाँ पे बेड बेड दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ है गाइस। और जो बाहर का व्यू है वो देखना, वो और भी नेक्स्ट लेवल है। इसमें काफी सारी चीजें हैं देखो, और साथ में डेजर्ट भी दिया देखो, मेरा नाम भी लिखा हुआ है, डियर सर जोशी वी आर वेरी प्लेस टू वेलकम यू इन SLS दुबई। तो भी गाइज रात के 8 बजने वाले हैं, फिलहाल हम निकल गए होटल से शाम को ऐसे घूमने के लिए। फिलहाल दुबई की सड़कों पे घूम रहे पैदल पैदल भाई। क्लीन क्लीन है सब कुछ देखो, कहीं पे एक मतलब एक छोटा सा भी कुछ भी नहीं है, छोटी सी भी गंदगी नहीं है कहीं पे, छोटी सी भी एक भी नहीं मिलेगी भाई, एक भी नहीं। देखो पूरा साफ है भाई, पूरा मिट्टी तक नहीं दिख रही मुझे तो, मिट्टी कहीं भी बिल्कुल क्लीन है सब कुछ देखो। अब हम जाएंगे डिनर के लिए रेस्टोरेंट पे, तो वो रेस्टोरेंट है काफी फेमस रेस्टोरेंट है वो वाला। बाइक तो बहुत कम दिख रही है यहाँ पे, बाइक स्कूटी तो बहुत कम दिख रही है, जैसे इंडिया में बहुत दिखती है ना, यहाँ पे बहुत कम दिख रही है। मतलब अलग ही फील आ रहा है भाई, क्योंकि सब कुछ अलग है ना, गाड़ियाँ सब कुछ अलग है, लग्जरी लग्जरी दिख रही है, रोड एकदम क्लीन है। लेकिन मुझे पता है ज्यादा दिन रहूंगा तो फिर बोर हो जाऊंगा मैं, क्योंकि घर तो घर होता है ना भाई। ये क्या है गोल गोल, ये क्या है, बैठने के लिए है के? नहीं यार बैठने के लिए नहीं है, ये भी शो पीस है। तो हमने नूडल्स मंगाए थे, इसके ऊपर टमाटर डाल देगा। चलो दुबई के नूडल्स खा के देखते हैं, मीठे मीठे हैं। पिज्ज़ा में ऑयल डालना है, सब में डालना, सब में डालना। आज हमने सुशी मंगाई है, ये वेज सुशी है, आपको ऐसे पकड़नी है सुशी, ऐसे उठानी है गाइस। सुशी ना, सुशी बहुत हेल्दी होती है। तो भी गाइस मस्त डिनर करके आ गए, अब जा रहे हैं सीधा होटल पैदल पैदल ऐसे घूमते हुए। अब बस जाके सो जाएंगे, और कल जाएंगे मस्त एक्टिविटी करने के लिए। कल मैं आपको दिखाऊंगा पूरा रूम टूर अच्छे से, व्यू बाहर का सब कुछ अच्छे से दिखाऊंगा कल, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में देखना आप। यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर रहा हूँ मैं, हर पेड़ पे लाइट लगा रखी है पूरी पूरी, हर पेड़ पे जितने भी दूर जितने पेड़ दिख रहे हैं ना, सब पेड़ों में लाइट लगा रखी है। ये देखो इस पेड़ में भी लाइट है, उधर भी लाइट है, जितने पेड़ दिखेंगे ना सब लाइट ही लाइट, पूरी देखो पूरी लाइट ऊपर तक। चलो भाई होटल पहुंच गए, आज का दिन खत्म, काफी मस्त था। तो गाइस रात के 11 बज रहे हैं और इंडिया के 12:30 बज रहे हैं, 1.5 घंटा आ गए ना इंडिया। फिलहाल एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, तो इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। भैया मुझे जानते हो? Good in English, oh sorry, do you know me? Yeah, I have seen your videos. Okay.